ग्राम प्रधानों ने मुख्यमंत्री संबोधित जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। जनपद सिद्धार्थनगर में जिला कलेक्ट्रेट परिसर में जनपद सिद्धार्थनगर के हजारों ग्राम प्रधानों अपनी मांगों को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया और अपने मांगों को लेकर मुख्यमंत्री संबोधित जिलाधिकारी सिद्धार्थनगर को ज्ञापन सौंपा। वहीं ग्राम प्रधानों द्वारा बताया गया, जिलाधिकारी द्वारा ग्राम प्रधानों से एक दिन की बैठक का आश्वासन मिला है, जिस पर हम अपनी बात जिलाधिकारी से कर पाएंगे। मांगों में ग्राम पंचायत के लिए बनाई गई मनरेगा एक्ट को ग्राम पंचायत में दी जाए, अन्य विभाग को नहीं। ग्राम प्रधान के वेतन 15,000 दिया जाए, साथ ही सुरक्षा के लिए रिवॉल्वर लाइसेंस भी दिया जाए। इस प्रकार 22 सूत्रीय अपने मांगों को लेकर ग्राम प्रधानों मुहिम छेड़ दी। अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो आने वाले समय में हम पूरे प्रदेश के 73,000 ग्राम प्रधान विधानसभा का घेराव करेंगे और अपनी मांगे पूरी कराने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे और अपनी मांग को पूरा करा कर ही हटेंगे। से ग्राम पंचायतों पर केंद्रित होकर बनाई गई है, उसका पैसा केवल ग्राम पंचायतों को दिया जाए। सिंचाई, आरएस या अन्य कार्यदायी संस्थाओं में इस पैसे का बन राजन मचा लेना बाबू। ठीक है, बताइए कि आज आप एक दिवसीय धरना पे बैठे हैं, कितनी सूत्रीय मांगों को लेकर बैठे हुए हैं और आगे आपकी क्या रणनीति है? ये 22 सूत्रीय मांगों को आज हमने जिलाधिकारी के प्रतिनिधि उप जिलाधिकारी नौगढ़ को सौंपा है। विभिन्न मांगे हम लोगों की पेंडिंग है। लगातार उत्तर प्रदेश की सरकार हमारे अधिकारों को काटती जा रही है। इस आजाद भारत की सबसे मजबूत जो हमारी संस्था है ग्राम पंचायत, उसको कमजोर बनाती जा रही है। जबरन गौशाला बनवाया जा रहा है, उसका भुगतान नहीं हो पा रहा है। जबरन शौचालय का पैसा लाभार्थी के खाते में डलवाया जा रहा है और जिम्मेदार प्रधान को बनवाया जा रहा है। जबरन मनरेगा का पैसा सिंचाई विभाग आरएस और पीडब्ल्यूडी को दिया जा रहा है। हमारे पंचायत के गरीब काम के लिए बेहाल है, किसी को काम नहीं दिया जा रहा है। मनरेगा का भुगतान साल भर से ग्राम पंचायतों का लटका पड़ा हुआ है। सिंचाई विभाग के लोग जिला प्रशासन के लोगों को घूस देकर अपना भुगतान करा दे रहे हैं। पंचायतें परेशान हैं, ग्राम प्रधान पर तमाम ब्लेम रख रहे हैं, गांव का विकास नहीं हो पा रहा है। इन्हीं तमाम मांगों को लेकर आज हम लोगों ने एक दिवसीय धरना जिला कलेक्ट्रेट परिसर में दिया। अगर आपकी मांगे नहीं पूरा हुई, अगर हमारी मांगे नहीं पूरा हुई तो सिद्धार्थ नगर से लेकर विधानसभा तक हम लोग घेराव करेंगे। उसमें पूरे जिले, पूरे उत्तर प्रदेश के 63,000 ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधि अपना तन मन धन लगाकर इस सरकार के खिलाफ बिगुल फूकेंगे और इस सरकार से लड़कर अपना हक वसूल करेंगे।